सरकारी मंदिरों में पुजारिया की भर्ती प्रक्रिया शुरू, वंशजों को प्राथमिकता। भोपाल, मध्य प्रदेश सरकार के अधीन आने वाले मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति होने वाली है। राज्य के अध्यात्म विभाग ने पुजारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इन नियुक्तियों में पुजारियों के वंशजों को प्राथमिकता दी जाएगी। अध्यात्म विभाग ने पुजारियों की नियुक्ति के लिए जो नियम बनाए हैं उसके मुताबिक वंश परंपरा के साथ ही गुरु शिष्य परंपरा को भी प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य में पहली बार सरकारी स्तर पर पुजारियों की नियुक्तियों के संबंध में नियम प्रक्रिया निर्धारित की गई है। आधिकारिक तौर पर मंगलवार को जारी ब्यौरे के अनुसार शासन द्वारा पुजारियों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं योग्यताएं तय की गई है। पिता के पुजारी होने की दशा में उसी वंश के आवेदक को अन्य सभी योग्यताएं पूर्ण करने पर प्राथमिकता दी जाएगी। पुजारी पद के लिए 8वीं तक शिक्षित, न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और स्वस्थ होना आवश्यक है। पूजा विधि का प्रमाण पत्र, परीक्षा उत्तीर्ण होकर पूजा विधि का ज्ञान और शुद्ध शाकाहारी होना भी जरूरी है। ऐसे लोगों को मौका नहीं। इसके अलावा पुजारी मद्यपान न करने वाला और आपराधिक चरित्र का नहीं होना चाहिए। अध्यात्म विभाग ने तय किया है कि अगर कोई मंदिर मठ की श्रेणी में आता है और उस मंदिर पर किसी संप्रदाय विशेष अथवा अखाड़ा विशेष के पुजारी होने की परंपरा रही है तो गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर पुजारी की नियुक्ति प्राथमिकता से की जाएगी। यूं होगी पुजारियों की नियुक्ति। किसी दरगाह आदि पर होने वाली नियुक्ति में वंश परंपरा की प्रथा है और नियुक्ति के समय इसका ध्यान रखा जाएगा। तय प्रक्रिया के अनुसार आवेदन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व SDM के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बाद में SDM संबंधित आवेदन का परीक्षण और अन्य जरूरी प्रक्रिया को संपादित करेंगे। इसके बाद ही पुजारी की नियुक्ति की जाएगी। पुजारियों का मानदेय हो चुका है 3 गुना। बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार पुजारियों को मिलने वाले मानदेय को 3 गुना करने का ऐलान कर चुकी है। राज्य के पुजारियों को अब तक 1000 रुपए मानदेय मिलता है जो बढ़कर 3000 हो जाएगा।